Wow, what a place. This is called Al-Noor Mosque. Al-Noor Mosque. This is called Al-Noor Mosque. Wait a minute. Yes. Allow a video banana? Yeah, yeah. Okay, thank you. इस वक्त हम अल-नूर मॉस्क जो कि शारजा का सबसे खूबसूरत जो नहीं है वन ऑफ द मॉस्क खूबसूरत मॉस्क में से एक है तो चलते हैं अल-नूर मॉस्क की तरफ विद हनीफ एंड करीम शाहबुद्दीन दे आर माय कज़न्स नॉट लाइक अ फ्रेंड्स कज़न तो है ही है और इंशाल्लाह ये हमें बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे जो मैं देखूंगा इंशाल्लाह कैमरे की नज़र से आप लोग भी देखेंगे बस आप लोगों ने एक ही काम करना है आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि आपको इस तरह की खूबसूरत चीज़ें जो नहीं है आपको हम कैप्चर करके दिखा सकें और जिन्होंने आना जो आना चाहते हैं तो ये एरिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख के अपने कंट्री के अंदर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर सकते हैं तो ये मॉस्क मुझे बहुत पसंद आया और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं किसी को किसी का होश नहीं है अपने धुन में सब मस्त है हम अगर पाकिस्तान में होते तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं तो ये चीज़ देख के ना मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ये वाला कल्चर आना चाहिए थैंक यू सो मच करीम शाहबुद्दीन एंड हनीफ भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे बिल्डिंग्स देखिए यार यहाँ की जो स्ट्रक्चर सिस्टम है ना इसने तो कमाल कर दिया है तो थैंक यू डिफरेंट होता है एक सेकंड ना सर इस मोमेंट को भी जो नहीं कैप्चर करेंगे ये भी बड़ा खूबसूरत मोमेंट है विद समंदर प्लस बिल्डिंग्स प्लस वॉकिंग स्ट्रीट व्हाट अ वाओ व्यू गाइस कम ऑन यार पैसे बचाओ निकलो शारजा की तरफ और शारजा में अपनी लाइफ को एंजॉय करो सो ये चीज़ें बहुत कम चीज़ें लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि पैसा बहुत है लेकिन वो यूटिलाइज़ करना नहीं सीखते हैं अगर थोड़ा सा पैसा बचाए ना वो तो वो अपना एक छोटा सा ट्रिप यहाँ ज़रूर कर सकते हैं इतना भी महंगा नहीं है दुबई अगर देखा जाए तो हाँ एक्सपेंसिव है लेकिन शारजा बंदा रह सकता है आ सकता है घूम सकता है तो ये वाला मोमेंट आप लोग जब देखेंगे तो होप्स हो कि आप लोग ज़रूर इस प्लेस को विज़िट करेंगे और इसको एक्सप्लोर करने की हमारे साथ इंजॉय करने में हमारे साथ जुड़िए आप दोबारा एक ट्रिप हम जब कर लेंगे तो आप लोग भी हमारे साथ होंगे वंस अगेन थैंक यू ये एक चीज़ है वो कह रहे यार दुबई शारजा बहुत एडवांस हुआ है ये लोग अपने कल्चर से जुड़िए बहुत हट गए हैं लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने अपने कल्चर को भी प्रिजर्व किया है ये उनकी कदीम का जुड़िए एक रिवायत जो आ रहा है इनके पास पैसा भी है ये लोग शीशा लगा सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं लेकिन इन्होंने सिंपली अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया हुआ है और खुल जैसे इनके जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से उन्होंने चेयर्स लगाए हैं यहाँ पे फूड के लिए जो नहीं है लोकल डिश यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है इन लोगों ने तो ये भी एक खासियत है जो लोग कहते हैं ना कि जब कंट्री एडवांस होता है तो वो अपने कल्चर को भूल जाते हैं अगर आप चाहो तो अपने कल्चर को जो नहीं है इस तरह प्रिजर्व कर सकते हो तो थैंक यू हनीफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन सो गाइस मिलते हैं इसके बाद एक और व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं वहाँ हम दूसरा जो नहीं है व्लॉग बनाएंगे आप लोग हमारे साथ जो देख रहे हैं इस वक्त आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम दूसरा व्यू की तरफ जाएंगे तो थैंक यू सो मच सी या बाय बाय